बुराड़ी से आप विधायक संजीव झा ने अमरतुल्ला खान के बयान को हास्यास्पद और ओछा बताया। उन्होंने कहा कि हम सब एकजुट हैं और पार्टी नेताओं के ऐसे बयान से बचना चाहिए। उनसे खास बात की हमारे सहयोगी अभिनय उपाध्याय। आम आदमी पार्टी के बुराड़ी से विधायक संजीव झा इस वक्त हमसे खास बात है। संजीव पार्टी दोराहे पर खड़ी है, आखिर वो क्या रहा है? अमरतुल्ला खान ने पार्टी बनाई। देखिए, ये हास्यास्पद बातें अमानत कर रहा है। शायद उसको पता नहीं है कि हम लोग किस मकसद से इस पार्टी को बनाए थे। जंतर मंतर पर और रामलीला मैदान पर हजारों लड़के दिन रात सो करके और यहाँ तक पार्टी पहुँची है, तो इसे इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि जो कोई भी ऐसी बातें कर रहा है वो पार्टी का हित नहीं चाह रहा है। क्या 37 विधायकों ने चिट्ठी लिखी है इसको लेकर कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम अपनी बात जरूर। कोई बिना सबूत के इस तरह के बयानबाजी करना क्या पार्टी के हित में होगा? मैंने पहले ही कहा कि बिल्कुल पार्टी हित नहीं चाह रहे। जो कोई भी ऐसी बयानबाजी कर रहा है वो कहीं से नहीं चाह रहा है कि पार्टी का हित हो। और बात है कि देखिए, हम लोग कोई पार्टी पोजीशन और कोई विधायकी और सरकार के लिए नहीं आए थे, हम लोग एक मिशन के लिए आए थे। मुझे ऐसा लगता है कि उन तमाम लोगों को जिनको लगता है कि आज देश में पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की जरूरत है, उन सबको मिलकर काम करना चाहिए था। इस तरह के लोजुल बयान से बचना चाहिए। पार्टी क्या टूटने वाली है या फिर सब कुछ ठीक होगा? देखिए, वो सभी लोग एकजुट हैं जो इस मिशन के लिए आए हैं। जब आंधियां चलती है तो कई सारे लोग आते हैं, और जब आंधियां थमती है तो ऐसे छूट जाते हैं, छूट जाने वाले छूट जाएंगे। भैया, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव झा का, जो कि हमें साफ तौर पर बता रहे थे कि ये भी उन विधायकों की फेहरिस्त में शामिल है जिन्होंने अमानतुल्ला खान के आरोपों पर सवाल उठाए। कई सारे विधायक सवाल उठा रहे हैं क्योंकि अमानतुल्ला खान ने आरोप लगाया है कुमार विश्वास के ऊपर, पार्टी के एक बड़े नेता के ऊपर। लेकिन सूत्रों का यह भी मानना है कि अमानतुल्ला खान ने ये आरोप निराधार होकर नहीं लगाया है, जरूर उनके ऊपर अरविंद केजरीवाल का हाथ। अब वक्त ही बताएगा कि आगे क्या। कैमरामैन ललित के साथ अभिनव उपाध्याय, न्यूज़ वर्ल्ड।